जाती है नागौर के लड़कों से, और उसके बाद उनके साथ गैंग रेप किया जाता है लड़कियों के साथ, और वो थाने में फरियाद लेके सदर थाने के अंदर वो लड़कियाँ जाती है, और सदर थाने का सीआई छुट्टी पे होता है, यहाँ का DYSP भी छुट्टी पे होता है, और SC ST सेल का DYSP श्रवण दास, जिसके पास CO का चार्ज है नागौर पुलिस उपाधीक्षक, वो उन लड़कियों थानेदार उसको बुलाता है, वो 5 घंटे तक उन लड़कियों को लेकर थाने में बैठा रहता है, वो बिना उसके वो न तो रोजनामे में रपट डालता है और लड़कियों को ये कह के भगा देता है कि तुम धंधा करती हो भाग जाओ कॉल कर लो। और ये जब उनको ट्रेन के अंदर ले जाके महिला पुलिस भेज के तुम भाग जाओ यहाँ से, और वो दिल्ली से ऑनलाइन FIR कराती 5 दिन बाद। अलवर गैंग रेप के बाद भी मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया कि अब डायरेक्ट FIR SP सीधे करेंगे, और FIR में अगर किसी ने कोताही करी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अशोक गहलोत की बात का कोई असर यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों के अंदर नहीं है। 25 सीट हारने के बाद गहलोत का भय राजस्थान के अधिकारियों के अंदर खत्म हो गया, वो ऐसा सोच रहे हैं कि अशोक गहलोत हट जाएंगे, अब कोई नया CM आएगा तो अपनी मनमर्जी और गुंडागर्दी करें। इस मामले को लेकर मैंने नागौर के SP से बात करी, और SP मुझे दूसरी बात बताने लग गए, खैर मेरा इसमें SP से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा ये मामला थाने के अंदर DYSP थाने के अंदर जाता है, DYSP 5 घंटे तक पूछताछ करता है, और उसके बाद न तो रोजनामे में रिपोर्ट डालता है और न किसी तरह की बात करता है, उनको दिल्ली भेज दिया जाता है, और 5 दिन बाद वो लड़कियां ऑनलाइन FIR दर्ज कराती है और वो कलियाँ आएगी भी। तो इसमें सीधी सीधी गलती उस DYSP की है जो मौके में सदर थाने के अंदर जाता है, और कहीं कहीं अगर अधिकारियों की जानकारी के अंदर ये मामला था, और अलवर गैंग रेप वाला जो मामला थानागाजी का इतना पूरे देश को विचलित कर दिया, राजस्थान को बदनाम कर दिया, ऐसी घटना होने के बाद भी नागौर जैसे संवेदनशील जिले के अंदर पुलिस की हिम्मत इतनी बढ़ जाए कि वो लड़कियों को जबरन इस तरह ट्रेन के अंदर डाल के भेज दे, और अब पुलिस उस बात पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। अब सारे तमाम अधिकारी ये कह रहे हैं कि लड़कियां FIR दर्ज नहीं कराना चाहती थी, अगर FIR दर्ज नहीं कराना चाहती थाने क्यों गई, पिक्चर हॉल जाती फिर वो थाने में गई, इसका मतलब FIR कराने थाने गई थी, लेकिन थाने में FIR दर्ज नहीं किए, उन मजलूमों को डरा धमका के भगा दिया। मैंने चीफ सेक्रेटरी IG और तमाम बड़े लोगों से बात किया, अधिकारियों से, मुख्यमंत्री के यहाँ भी मेल मैंने कर दिया, और मुख्यमंत्री जी को मैंने ये भी कहा कि 2 दिन के अंदर इस घटना की सही जानकारी लेके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, बदमाशों को नहीं पकड़ा गया और दोषी पुलिसकर्मियों को नहीं हटाया गया, तो संसद सदस्य को सड़क पे धरने पे बैठना पड़ेगा, मुझे सड़क पर आना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि 6 तारीख को शपथ लूँ, उससे पहले मैं धरना प्रदर्शन नहीं करूँ, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी, आम जन परेशान होगा, बिजली के लिए जनता त्रस्त होगी, अगर पानी की संकट आएगा, तो हनुमान बेनीवाल संसद सदस्य होने से पहले विधायक भी है, आम जनता का प्रतिनिधि भी है, मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरी पद की गरिमा के अनुकूल मुझे बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, और लोकतंत्र में जब जनता संकट में होती है तो MP MLA से पहले हमारे लिए जनता की समस्याओं का समाधान आवश्यक है। मैंने राजस्थान की सरकार को आगाह कर दिया, चेता दिया, 24 घंटे 48 घंटे के भीतर इस सदर थाने के अंदर जो सामूहिक जो गैंगरेप हुआ है उसको पुलिस दूसरे एंगल पर मोड़ देना चाहती है, उस IO के खिलाफ, DYSP के खिलाफ, जिसका कोतवाली से डोडा पोस्ट जब चोरी हुआ था तब वो वहाँ CI था, मैंने विधानसभा के अंदर मामला उठाया, उसे हटाया, और उसके बाद फिर DYSP लग गया, क्या वो राजस्थान सरकार का जमा ही लगता है क्या, उसको बार बार आप नागौर लग रहे, आखिर क्या मजबूरी सरकार की ऐसी, और अब सरकार ऐसे नहीं माने कि दूसरे तरीके से मनाना हमें सरकार को आता है, आवश्यकता पड़ी तो हजारों लोग इस कलेक्टर पर SP कार्यालय को घेरेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी इस मामले के अंदर मिलेंगे। बहुत बड़ी निंदनीय घटना है कि नागौर जैसे मामले में पुलिस इस तरह की हरकत करे, और इस DYSP की पहली हरकत नहीं है, उससे पहले भी कई शिकायतें मेरे पास आई, जो जबरन लोगों को पकड़ना, पीटना और फिर उनको छोड़ना और उनसे पैसा वसूली करना, जिस तरह रंगदारी लोग करते हैं उस तरह का धंधा ये भी करता है, और ऐसे कई पुलिस के यहाँ अधिकारी नागौर जिले के अंदर पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। इस बात की पीड़ा मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और हनुमान बेनीवाल गलत काम अगर कोई होता तो जिंदा मक्खी नहीं निकल सकता, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ इस मामले में दोषी DYSP को तुरंत हटाए, जिसने मुकदमा दर्ज नहीं किया उनको डरा धमका के यहाँ से भगा दिया, और दूसरा मुलजिमों को तुरंत प्रभाव से पकड़े, और इसमें इस तरह का दोष नहीं बढ़े कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता। पहली सीधी सी गलती उस DYSP की है जो थाने के अंदर 5 घंटे तक उनसे बातचीत करता रहा लड़कियों से, और फिर ट्रेन के अंदर बिठा के दिल्ली भेज दिया, ऑनलाइन FIR हुई,
इसका मतलब पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, नहीं तो थाने में एफआईआर दर्ज हो जाती। तो ये ऐसी गंभीर घटना है। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे मीडिया के भाइयों का।